अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर सिक्स शुरू करने जा रहे हैं ये जो यूनिट है वो किस चीज़ के बारे में है वो डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन के बारे में है ठीक है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन सबसे पहले इसमें जो इंट्रोडक्शन इसका दिया जा रहा है मैं भी आपको थोड़ा सा ये बताऊँगी सपोज़ सम वन यूजिस थ्री कप्स ऑफ वाटर एंड वन कप ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर टी यानी अगर कोई चाय बनाने के लिए तीन कप जो है वो पानी और एक कप दूध जो है वो यूज़ करें वी कैन कंपेयर दिस टू कोटिटीज़ बाई यूजिंग द टर्म ऑफ रेशो तो हम क्या करेंगे इन क्वान्टिटीज़ को यूज़ करने के लिए कम्पेयर करेंगे रेशो से एज़ वाटर एंड मिल्क पानी और दूध आर इन दी रेशो ऑफ थ्री रेशो वन यानी थ्री रेशो ऑफ वन एंड इज़ रीड एज थ्री टू रेशो वन यानी इसको किस तरह रीड किया जाएगा थ्री टू रेशो वन दस द रेशो इज़ अ कंपेरिजन यानी रेशो क्या होता है रेशो जो है वो कम्पेरिज़न होता है या मवजना होता है बिटवीन टू दो और मोर क्वान्टिटीज़ इन द सेम यूनट एक ही तरह के यून की दो या दो से ज़्यादा क्वान्टिटीज़ के दरम्यान कंपैरिजन को क्या कहा जाता है रेशो कहा जाता है आ रेशो इज़ दी न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज रेशो जो है वो एक नूमेरिकल जो है वो रिलेशन है किसके दरमियान वन टू और मोर क्वान्टिटी दो या दो से ज़्यादा uh, मकदारों के दरमियान हैविंग द सेम यूनिट लेकिन जिनका यूनिट जो है हो क्या होना चाहिए वो सेम होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है कंटिन्यूड रेशो कॉन्टीनियोड रेशो इफ़ द टू रेशोज़ ए बी एंड बी सी आर गिवन फॉर थ्री क्वान्टिटीज़ ए बी एंड सी देन द रेशो ए बी सी इज़ कार्ड कॉन्टीन्यूट रेशो विच कैन बी रिटर्न एज जिसको हम किस तरह राइट करेंगे ए टू रेशो बी बी टू रेशो सी ठीक है ए रेशो बी रेशो सी हेयर रेशो ए बी सी इज़ अ कंटिन्यूट रेशो विच इज़ फॉर्म फ्रॉम दी अदर टू रेशोज ए टू रेशो बी एंड बी टू रेशो सी टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन थ्री क्वान्टिटीज ए बी एंड सी ठीक है ऑलवेज राइट दी कॉमन मेंबर इन दिडल ऑफ दी अदर एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द मैथड गिवन अबब यानी क्या होता है कि इसमें कोई एक जो मेम्बर है जो कि क्या होता है उसको हमेशा हम मिडल में राइट करते हैं एक जो मेंबर है जो कि क्या होता है कॉमन होता है जिस तरह से देखें ऊपर वाले में ए बी बी सी यानी कि बी जो था वो कॉमन था पहली वाली रेशो में भी था और सेकेंड रेशो में भी था इसलिए बी को कहाँ राइट किया गया सेंटर में ठीक है इस चीज़ को हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी अपने माइंड में रखना है चलिए यहाँ सवाल की तरफ चलते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो है इफ ए टू रेशो बी एंड थ्री टू रेशो फाइव एंड बी टू रेशो सी इक्वल फाइव टू रेशो सिक्स देन फाइंड ए बी सी यानी हमने ए रेशो बी रेशो सी जो है वो फाइंड करनी है अब देखिए इस क्वेश्चन में बी जो है वो कॉमन है तो बी को हम कहाँ राइट करेंगे सेंटर में सेकेंड क्वेश्चन में आर एस और एस टी है तो एस जो है वो सेंटर में आएगा थर्ड पार्ट में पी क्यू क्यू आर है तो जो Q है वो कॉमन है वो सेंटर में आएगा और इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन में एक्स जी और वाई जी है तो जो जी है वो सेंटर में आएगा हालांकि जी यहाँ पे भी लास्ट में आए यहाँ पे भी लास्ट में ले, लेकिन हम जी को क्या करेंगे जी को हम सेंटर में लेके आएंगे मैं आपको यही क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है दी देशोजर द रेशोज आर एक्स जी एक्स जी किसके इक्वल है थ्री टू के ठीक है इस तरह से वाई जी जो है वो किसके इक्वल है वो है वन एंड टू के वन एंड टू के चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमने फाइंड क्या करना है हमने फाइंड करना है एक्स रेशो, जी रेशो एंड वाई ठीक है ये हमने क्या करना है ये हमने फाइंड करना है दी कॉमन मेंबर कॉमन रहे कॉमन मेंबर कौन सा है जी कॉमन मेंबर है तो सेंटर में कौन रहेगा सेंटर में जी ही रहेगा एक्स और जी की एक्स और जी की क्या रेशियो है थ्री रेशियो टू ठीक है और वाई जी की क्या है वन टू यानी वाई के नीचे वन आएगा और जी के नीचे टू आएगा अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ये जो है इधर और ये जो है इधर मल्टीप्लाई होगा यानी थ्री टू ज़ार सिक्स टू टू ज़ार फोर एंड टू वन ज़ार टू ठीक है गया हमारे पास क्या आया सिक्स रेशो फोर रेशो टू ठीक है अगर ये जो हमारा आंसर है जो रेशो आती है आंसर में अगर वो किसी एक ही नंबर पे कैंसिल हो रहे हो तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं जैसे ये देखें सिक्स फोर टू ये टू के टेबल पे जो है वो कैंसिल हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे टू वन ज़ार टू 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 ज़ार फोर टू थ्री ज़ार सिक्स ठीक हो गया तो ये इसका आ गया आंसर हैंस एक्स वाई जी एक्स वाई जी हम सीक्वेंस बना देते हैं यहां पे थ्री ये जी जो क्या है वाई जो उसके बाद आएगा यानी कि एक्स के बाद वाई की टर्न है तो हम वाई यहाँ पर लिखेंगे यानी जो वाई की वैल्यू है कहाँ पर लिखेंगे वाई के नीचे और फिर जी की वैल्यू क्या थी टू तो वो आ जाएगा आगे यानी एक्स वाई जी थ्री वन टू के इक्वल आ गया ठीक है डेढ़ फोर थ्री वन टू इज़ दी रिक्वायर्ड कॉन्टीन्यूड रेशो ठीक है स्टूडेंट्स अब उम्मीद है कि आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी सेम यही मेथड अप्लाई करते हुए हमने बाकी जितने भी सवाल हैं सभी सॉल्व कर लेने हैं हैव अ नाइस डे अल्लाह हाफिज़